हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट एंगल। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में चेन्नई के मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टेस्ट मैच से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यह टेस्ट मैच कितनी बजे से स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टेस्ट मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां किया जा रहा है और आप इस मैच को लाइव कैसे देख सकते हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में चेन्नई के मैदान में खेला जाने वाला है। और अगर बात कर ले इस टेस्ट मैच की टाइमिंग की, तो यह टेस्ट मैच इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है, क्योंकि अभी तक इन दोनों टीमों के बीच 122 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पर इंडिया ने मात्र 26 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 47 टेस्ट मैचेस जीते और 49 टेस्ट मैचेस ड्रॉ पे समाप्त हुए हैं। तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड का पलड़ा इंडिया के ऊपर भारी रहा है। उसके बाद दोस्तों, अब चेन्नई की पिच के बारे में बात की जाए, तो चेन्नई की पिच हमेशा से स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है और इस बार भी कुछ वैसा ही रहने वाला है। और अगर आपको एवरेज स्कोर के माध्यम से बताएं, तो इस पिच पर पहली इनिंग में एवरेज स्कोर 376 रन है, दूसरी इनिंग में एवरेज स्कोर 474 है, तीसरी इनिंग में यह 218 हो जाता है और चौथी पारी में 88 रन हो जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पिच में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका एवरेज स्कोर मात्र 88 रन है। तो फ्रेंड्स, अब अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए कि इस टेस्ट मैच में वेदर कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और सभी पाँचों दिन यहाँ पर वेदर बहुत ही अच्छा रहने वाला है और पाँचों दिन यहाँ पर धूप निकलने वाली है और रेन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर इस टेस्ट मैच से निकल कर आ रही है। और अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए, तो चेन्नई में पाँचों दिन जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पर नजर डालें, तो इंग्लैंड की तरफ से हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे डोमिनिक सिबली और रॉरी बंस। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। नंबर 4 पर आएंगे बेन स्टोक्स और नंबर 5 पर डैनियल लॉरेंस खेलने वाले हैं। और नंबर 6 पर आएंगे जॉस बटलर। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे मोइन अली। नंबर 8 पर आएंगे जोफ्रा आर्चर। नंबर 9 पर आएंगे डोमिनिक बेस्ट। नंबर 10 पर आएंगे जैक लीच और नंबर 11 पर जेम्स एंडरसन खेलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए इंग्लैंड की प्लेइंग 11। अब हम नज़र डाल लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इंडिया की तरफ से हमें इस मैच में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे चेतेश्वर पुजारा और नंबर 4 पर आएंगे भारत के कप्तान विराट कोहली। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे अजिंक्य रहाणे। नंबर 6 पर आएंगे ऋषभ पंत। उसके बाद नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक खेलने वाला है। तो यह पिच देख के डिसाइड किया जाएगा कि किस खिलाड़ी को इस मैच में खिलाया जाए। उसके बाद दोस्तों, नंबर 8 पर आएंगे रविचंद्रन अश्विन। नंबर 9 पर खेलेंगे कुलदीप यादव। नंबर 10 पर ईशांत शर्मा आने वाले हैं और उसके बाद नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहने वाली है दोनों टीमों की कंफर्म्ड फाइनल प्लेइंग 11, जहां पर दोनों टीमों की तरफ से कई चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और इंडिया की टीम की अगर बात की जाए, तो यहां पर मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि ईशांत शर्मा आप पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, इसलिए ईशांत शर्मा की इस टेस्ट मैच में वापसी हो रही है। इस वजह से मोहम्मद सिराज ये टेस्ट मैच नहीं खेल पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं लाइव टेलीकास्टिंग के बारे में। तो आप इस सीरीज़ का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। तो आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर देख सकते हो। और अगर मोबाइल ऐप की बात की जाए, तो अपने मोबाइल में JioTV, फैनकोड ऐप, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और एयरटेल TV की मदद से भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रही पहले टेस्ट मैच से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और आप हमें नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम पहला टेस्ट मैच जीतने वाली है। और क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।